कर्ज अदा क्यों नहीं होता। न्यायाधीश महोदय मॉब लिंचिंग में की घटना में मॉब उसकी नहीं होती जो मार दिया जाता है मरते वक्त। बहुत अच्छा छोड़ा आपने। न्यायाधीश महोदय मॉब लिंचिंग की घटना में मौत उसकी नहीं होती जो मार दिया जाता है मरते वो भी लोग हैं जो सड़कों पर हिंसा पर शांत है। आज हमारी बारी है कल तुम्हारी बारी है और मॉब लिंचिंग का समर्थन करते हैं। दुनिया में अपराध हर जगह होते हैं मगर जहां अपराधियों को सजा की जगह सम्मान दिया जाए तो वहां अपराध कभी खत्म नहीं होगा कभी खत्म नहीं होगा। हमें नहीं चाहिए ऐसा इंडिया हमें ऐसा न्यू इंडिया नहीं चाहिए। एक तरफ कपिल खान जैसे लोग घर में जाकर मासूम बच्चों की जान बचा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ देश के खिलाफ साजिश रचने वाले मुसलमानों के तरीकों की हत्या कर रहे हैं और मुसलमानों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं मगर हम इस उकसाने में नहीं आएंगे। हम देश से मोहब्बत करने वाले हैं इस देश में मर जाएंगे कट जाएंगे लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मगर देश में कुछ मुसलमान मिलाकर हुए देश की रक्षा दायित्व में मर जाएंगे पर देश में आज नहीं आएंगे। ये मॉब लिंचिंग का मामला 2014 के बाद से आया है और लगातार ही बढ़ता जा रहा है मगर अफसोस तो इस बात की है जो मुसलमानों के मददगार बनते थे वो अपनी मौत या बलो घरों में जाकर घुस गए हैं चाहे वो मुलायम सिंह हो मायावती हो या अखिलेश हो या अखिलेश यादव हो या इनके दलाल मुस्लिम नेता बड़ी खामोशी के साथ बैठे हैं मगर इन मुस्लिम दलाल नेताओं की इतनी औकात नहीं है कि आने वाले समय में अपनी औलादों को मॉब लिंचिंग से बचाए क्योंकि कल इनके बच्चे भी मॉब लिंचिंग की शिकार होंगे। आज बेगुनाह तरबे अंसारी की हत्या हुई है कल किसी और की होगी ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। वो हमें कत्ल करते हैं और हमें ही दहशतगर्द कहते हैं झुंड में आते हैं हिजड़े और खुद को मर्द कहते हैं। इंसानियत की हत्या का दौर जारी है तय आपको करना है आप किस तरफ है इंसानियत की तरफ है या आतंकोर झुंड की ओर। आखिर में एक बात और कहना चाहूंगा कि एक मुस्लिम व्यक्ति को भीड़ द्वारा घंटों पीटे जाने और श्रीराम का नाम जपने का मजबूर किए जाने पर विपक्ष के जो लोग जो नेता चाहे वो राहुल गांधी हो तेजस्वी यादव हो मायावती हो या अखिलेश यादव हो या केजरीवाल हो दरअसल वो लायक ही नहीं है और ना ही मुसलमान मुस्लिमों के हवाले कर सके। असल में वो विपक्ष नहीं है ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमान वोटों के सौदागर है। न्यायाधीश महोदय हम चाहते हैं कि हत्यारों की गिरफ्तारी हो उनको फांसी हो और तब्रेज की बीमा के हिंसा साथ इंसाफ हो। हिंदू परंपरा एक महान परंपरा है जिसका सदियों पुराना सनातन इतिहास है। हिंदू धर्म ना तो मुसलमान शासक राज में मिटा और ना ही अंग्रेजों के राज में 1000 साल में मिटा। आज लोकतंत्र में जहाँ हिंदू बहुसंख्यक है हिंदुओं का राज है तो फिर ऐसा क्यों कह जा रहा है कि हिंदू खतरे में क्या बांटों और राष्ट्रीय एजेंडा नहीं चला रहे हैं। चुनाव के बाद मुसलमानों के सबसे बड़े हमदर्द अखिलेश मायावती का है मॉब लिंचिंग पे बोलेंगे या चुनाव खत्म हो गए तबरे अंसारी की पैदा करते उसके अल्फाज मेरा कोई नहीं है ससुराल में मेरा कोई मायकी में नहीं है मेरा अकेला तबरेस्ता में किसके सारे जीएंगी। 3 तलाक पर मुसलमानों से झूठी हमदर्दी बताने वाले बताया मॉब लिंचिंग में मारे गए बेवाओं के साथ क्या इंसाफ मिला बताओ मगर झूठी हमदर्दी कब तक चलती रहेगी। अपनी नाकामी छुपाने के लिए मुसलमानों को बेबाजा परेशान किया जाता है मुस्लिम औरतों से हमदर्दी है तो सभी वाले के मामले में हिंदू औरतों से हमदर्दी क्यों नहीं है। अगर मुस्लिम औरतों से हमदर्दी है तो सभी महिला के मामले में हिंदू औरतों से हमदर्दी क्यों नहीं है जो अपनी बीवी को इंसाफ नहीं दिला सके। 3 तलाक की बात करती है मुस्लिम बीवी को छोड़े बैठी है 3 साल मुसलमान की मुस्लिम अपनी बीवी को छोड़े 3 तलाक हिंदू छोड़े को सीधा प्रधानमंत्री। हमें ऐसा नियम नहीं चाहिए जहाँ हॉस्पिटल में बिना संतान के बच्चों की मौत हो जाए ऐसा विवाद नहीं चाहिए जिसमें आग लगाने में जान बचाने कोई इंतजाम नहीं है बच्चों की मौत है। न्यायाधीश महोदय आपको समझना पड़ेगा हमारा देश कहाँ जा रहा है हमारा देश का मौत खराब करने वाले
समझता है। मेरी कौम को जो लोग गुमराह ना समझ वो नहीं अभी समझ नहीं सकते। दरअसल ना समझ वो लोग नेता दलाल समझ नहीं चाहते। अंत में मैं कहना चाहूंगा, हमें गांधी का दोस्त चाहिए, अम्बेडकर का दोस्त चाहिए, गोडसे का दोस्त नहीं चाहिए। हिंदुस्तान।